Welcome to Set Time Bound Goal. This is our seventh or eighth lecture on current electricity. और last lecture में हमने क्या खत्म कर दिया था guys? हमने KVL KCL खत्म कर दिया था ना, KVL KCL खत्म कर दिया, R equivalent खत्म कर दिया. अब R equivalent में हम आज का जो topic है, हमने R equivalent देख रहे थे last दो दिन से, हम R equivalent निकालना देख रहे थे, है ना? आर इक्विवेलेंट निकालना सीख रहे थे ना हम लास्ट के दो टॉपिक में. कौन कौन सा मेथड देख लिया आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, जो सबसे ज्यादा मेथड यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा था? जल्दी जल्दी बोलो गाइस, अब तो दो लोग. सीरीज, पैरेलल एंड सीरीज, ठीक है, बेसिक मेथड थे. उसके बाद कौन सा मेथड हमने देखा? टर्मिनल वाला. बोल रहे हैं. अच्छा नहीं, एक्चुअली लैपटॉप की क्वालिटी है, डेली जैसा ही बोल रहा हूँ. बहुत तेज लग रहा है कान में. ओके, वॉइस कम कर लो. टर्मिनल वाला, और तीसरा हमने टर्मिनल मान मान के करा था. तीसरा बीटी स्टोन, याद है सबको? चौथा कौन सा था? चौथा कौन कौन सा था? विटी स्टोन के बाद हमने क्या देखा? सिमेट्री. तुम लोग इस सारे क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल हो? पांचवा आज हम पढ़ेंगे, इनफाइनाइट सीरीज. अरे क्वेश्चन बहुत, अरे सिमेट्री से ही हो गया था ना, क्यूब वाला सिमेट्री से ही हो गया था. और मैंने क्यूब का ट्रिक बताया था, मैंने क्यूब का बोला था कि नहीं सिमेट्री से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लेकिन ट्रिक होता है. हाँ, फेसबुक से उसका ट्रिक होता है. ट्रिक क्या था? क्यूब हो या फिर क्यूबाइड हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस इतना याद है फेसबुक से. फेसबुक से फेस 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 डायगोनल मतलब हम चार पांच, है ना, छ सात, नहीं सॉरी तीन से स्टार्ट करते हैं. कहां से स्टार्ट करते हैं? तीन चार पांच छ सात बारह. फेसबुक फेस फेस डायगोनल, उसके बाद बुक बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, और से मतलब साइड. ये वाली हुई थी ट्रिक, ये वाली याद करनी थी ट्रिक. अब इसमें जो हमने क्यूब बना के तुम्हें दिखाया भी था कि अगर मान लो एक क्यूब है, सपोज दैट दिस इज अ क्यूब, ठीक है, और अगर हमें कभी क्यूब से क्वेश्चन पूछता है, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन अगर पूछता है तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है. जो पहले करा होगा वही करेगा, या फिर जिसको ट्रिक आता होगा वही करेगा. इसमें क्या था? अगर फेस डायगोनल, फेस क्या है, मान लो ए और पॉइंट सी एक फेस में है ना, इनका फेस सेम है, ये फेस डायगोनल के क्रॉस. अगर पॉइंट ए सी के क्रॉस पूछेगा, अगर पॉइंट ए सी के क्रॉस पूछे आर इक्विवेलेंट ए सी, सपोज दैट इसने पूछा आर इक्विवेलेंट ए सी, ए सी तो क्या होगा? तीन बटा चार आर, तीन बटा चार आर. अब वो डिपेंड करेगा कि आर की वैल्यू लोग क्या दे रहे हैं, वो तो उनकी बातें हैं, लेकिन हमें तो पता है कि मसला क्या होने वाला है. एम आई राइट गाइज, एम आई राइट आर नॉट? अरे बोलो भाई. yes. अगर साइड से, अगर मान लो बी दे देता साइड पे, और अगर ए बी के क्रॉस पूछता आर इक्विवेलेंट क्रॉस ए बी, तो हम क्या याद रख लेते? बॉडी डायग्राम मतलब 5 बाई 6 आर. अब आर की वैल्यू एक ओम दे या दो ओम दे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अगर ए और डी के क्रॉस पूछता, मतलब बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल है ना सबसे बड़ा वाला डायगोनल, उसके क्रॉस पूछता तो 7 बाई 12 बार खत्म. सर 5 बाई 6 वाला होगा, थोड़े ना होगा, 7 बाई 12 होगा. अरे साइड साइड सॉरी बॉडी, हां बॉडी डायगोनल 7 बाई 5 बाई 6 होगा, साइड डायगोनल 5 बाई 7 बाई 12 होगा. एम आई राइट? यस. तो आज लास्ट आर इक्विवेलेंट का लास्ट है, और आज आर इक्विवेलेंट खत्म हो जाएगा. फिर दो टॉपिक बचा है, एक दिन लगेगा उसको खत्म कर देंगे. कौन कौन सा टॉपिक बचा है? मेजरमेंट, उसके बाद कौन सा टॉपिक बचा है मेजरमेंट के बाद? सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसके बाद आपका एक खत्म, करंट खत्म. करंट के लगभग मुझे लगता है कि तुम लोग आईटी जेई तक के क्वेश्चन 80% से 90% कर ले रहोगे. नहीं कर पा रहे हो क्या? जो जो टॉपिक पढ़ा दिया बताओ. सर हो जा रहा है, हो जा रहा है. कशिश हो रहे हैं तुमसे? यस सर, सर हो रहे हैं. एक दो क्वेश्चन सर दे देंगे, उसमें डाउट है.
हाँ तो डाउट भेजा करो ना इस प्रिया प्रिया जो है इसके साथ तुम दोनों डिस्कस किया करो, ग्रुप में भेजा करो, अगर ग्रुप में नहीं भेजना है तो लड़कियों वाले ही ग्रुप में भेज दिया करो, ठीक है। रुको उसमें एक और लड़की आई है नई साबिया, वो भी ठीक है, उसको भी ऐड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, वो ठीक है, उसके भी मार्क्स अच्छे आते हैं टेस्ट वगैरह में। उन्होंने क्या पूछा था मैथ्स के डाउट, मैथ्स का तुमसे मेरे पे एक ही हुआ, तुमने बताया दो नहीं ए दो पूछे थे एक हुआ था। अच्छा ठीक है, तो चलो हम लोग आज इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सा और बहुत ही सिंपल सा इनफाइनाइट सीरीज है, हम बस दिमाग में दो तीन टाइप की इनफाइनाइट सीरीज पूछेगा और ये बहुत बार आते हैं, बहुत बार आते हैं। पहला टाइप का इनफाइनाइट सीरीज हम देखते हैं, इनफाइनाइट सीरीज पर लिमिट बन रहा है कशिश, तुमसे लिमिट बन रहा है? यस सर आ रहा। ओके अच्छा हॉनेस्टली तुम लोग बताओ केमिस्ट्री वाले ठीक पढ़ा रहे हैं ना तुम्हारे, कोई इशू तो नहीं है, समझ में तो आ रहा है ना? सर मुझे थोड़ी सी आवाज समझ में नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं। अच्छा उनकी आवाज समझ में नहीं आ रही, अच्छा मैं रुको मैं उनको बोला हूँ, मैं उनको खुद नया हेडफोन खरीद के दे देता हूँ, ठीक है, कल परसों तक मैंने ऑर्डर कर दिया उनके लिए एक हेडफोन बढ़िया सा, ठीक है दे दूंगा, ऐसा नहीं है यार, बस तुम लोग साइंस से पढ़ो, तुम लोग अच्छा रिजल्ट दो, रिजल्ट मैटर करता है, ठीक है, अगर कोई इशू होगा तो मुझे बताना, बाकी टीचर तो बढ़िया है, केमिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी है। क्या नहीं समझ में आ रहा था तुम्हें स्टूडेंट? हेलो प्रिया, क्या नहीं समझ में आ रहा था तुम्हें? Can you tell me? अरे लैंग्वेज इतना जल्दी नहीं समझ आता है, दो तीन दिन लगता है किसी के साथ अटैच्ड होने में, ऐसा नहीं है कि पहली बार में अटैच्ड हुए। हाँ मेरे साथ अटैच्ड होने में ज्यादा दिन ही लगता है। कशिश कितना दिन लगा था? बस एक दिन। बोलो एक दिन देखो एक दिन लगा था। हाँ क्योंकि पता है मैं लगता है ना कि अपने बीच का आदमी, अपने बीच का, अपने जैसा ही है, और कई लोग थोड़े हाईफाई होते हैं तो उनको समझने में दो चार दिन टाइम लगता है। सर वो किसको समझाते भी है तो ऐसे समझाते हैं कि मेरे तोते उड़ जाते हैं। अच्छा ये देखो ये भी एक इनफाइनाइट नेटवर्क दिख रहा है, ठीक है, आर ओम मान लो वन ओम का है, वन ओम का है, सारा वन ओम का है, सारा वन ओम का है, सारा वन ओम का है, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा हमें दिक्कत ये होगा कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, अब इसका कैसे हम निकालें, मतलब देख के तोते उड़ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बड़ा बहुत बड़ा सा नेटवर्क दिखता है ना, बोलो इनफाइनाइट सीरीज दिख रही है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। अरे बोल दो यार। क्योंकि हमें इसका मेथड पता है ना, मैं तो चाहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आए और बच्चे करके आए, अरे सर आपने जो सिखाया था वो हमको समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन में हम पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि इसका आर इक्विवेलेंट जो आएगा आर आएगा, हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, जो इसका R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा गाइस? R आएगा, ठीक बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया R इक्विवेलेंट R आएगा। अब मैं इसको ढक रहा हूं, अब देखो मैं इसको ढक दे रहा हूं, इसको यहां से काट के हटा दे रहा हूं, इसको देखो क्या इसका R इक्विवेलेंट, अगर मैं इसको मिटा भी दूं, इसको मिटा के हटा भी दूं, हटा भी दिया, अब मैं यहां से अगर काउंट करूं, एक सीढ़ी काट दी, अब मैं यहां से काउंट करूं तो इसका भी आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर ही आएगा क्योंकि सेम चीज है, देखो इसमें क्या है, सेम चीज नहीं है, आर इक्विवेलेंट आर ही आएगा ना, जो पहले था वही तो अभी भी है कि नहीं, इसका उसको मैंने काट के हटा दिया तो आर इक्विवेलेंट आर आएगा कि नहीं, इसका भी तो आर ही आएगा ना, इसका भी तो आर ही आएगा कि नहीं, अब मैं इतने को आर कह सकता हूँ, इतने को आर कह सकता हूँ,
और इधर जो था उसको वो तो था ही। अब मैं इतने का इतने को टोटल इतने टोटल इक्विवेलेंट को आर कह सकता हूं, तो उसको मैं यहां पे जोड़ दे रहा हूं, इसको मैं आर कह दिया। मैंने यहीं से काटा था जोड़ दिया, अब उसके बाद क्या हुआ, यहां से काटा था जोड़ दिया, ये बीच में एक और आर इक्विवेलेंट आएगा, इसको मैंने आर कह दिया। और यहां से हमने कहां से काटा था, यहां से काटा था, यहां से काटा था, अब ये आर इक्विवेलेंट हो गया, तो ये आर इक्विवेलेंट हो गया, तो यहां पे इसके पैरेलल में हो गया वन, और यहां पे ए वन है और ए भी वन है, और दिस इज ए दिस इज बी, एम आई राइट और नॉट। अब मैं इसको मिटा दूं ना, क्योंकि हमको पता है इतने का आर इक्विवेलेंट आर जो होता है मैं यहां पे लगा चुका हूं, एम आई राइट और नॉट, प्लीज मुझे बताओ, प्लीज रिस्पॉन्ड मी। बस यही एक टॉपिक यहाँ पे, यही एक चीज समझना है, बाकी कुछ समझना नहीं है, बाकी तो अब खत्म कर दिए तुम क्वेश्चन ही, तुम क्वेश्चन खत्म कर चुके हो। मैं इसको मिटा दूं ना, यस सर। अब तो इस अब तो इसका मतलब नहीं रहा ना, जब ये हो गया तो इसका मतलब ही नहीं रहा, हाँ बस खत्म, लो आर इक्विवेलेंट हो गया। अब आओ सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज आर, और ये कितना है, वन था, ये वन था, सॉरी ये कितना है, ये वन है। अब हमको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब इस नेटवर्क को रिड्यूस कर दिए, वन और आर किस में है, पैरेलल में है ना, देखो गाइस वन और आर किस में है, पैरेलल में है ना, yes, नहीं है पैरेलल में, तो पैरेलल वाला लगाओ पहले, yes, देखो ये दोनों पैरेलल में लगाओगे, ये पैरेलल में लगाओगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो इन तीनों के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो आर इनटू वन अपॉन आर प्लस वन, और उसके बाद वन प्लस वन ये हो जाएगा टू आर, टू मतलब ये बस टू ओम हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकल गया, क्या आया, आर अपॉन टू आर प्लस टू अपॉन आर प्लस वन, एम आई राइट और नॉट। अब हमने क्या बोला था, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, आर है, तो आर इंटू आर प्लस वन बराबर व्हाट, थ्री आर प्लस टू, सिंपल। अब एक क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया दोस्तों, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू थ्री आर प्लस टू। अब इसको इधर लेके आओ, कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक कितने लोगों को सॉल्व करने आता है, आर स्क्वायर माइनस टू आर माइनस, सॉल्व करना गाइस इसको, मैंने कहीं गलती करा है क्या, आई हैव डन मिस्टेक, मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया, आई थिंक नहीं, नहीं सर, सर। करो तो करो करो करो, पहले देखो इमेजिनरी रूट को सीधा चार रूट से हो जाएगा, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, चार माइनस चार दो आठ, डी निगेटिव आ रहा है क्या, नहीं डी निगेटिव नहीं आ रहा है, रूट्स निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे। अब हमको देखो ऐसे नहीं हो पा रहा है ना, ऐसे ऐसे नॉर्मल जो हम फैक्टराइजेशन करते नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, सिद्धाचार्य लगाएंगे, मैं क्या लिखूंगा, आर बराबर माइनस बी दो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दो का स्क्वायर चार माइनस फोर ए सी, फोर ए सी क्या लिखूंगा, फोर इंटू वन इंटू माइनस टू अपॉन टू ए, ये कितने लोगों को सिद्धाचार आता है, मैंने सिखाया हुआ है तुम दोनों को बहुत ही शिद्दत के साथ, चार प्लस चार गुना आठ, यस सर। अब तुम बताओ ये आठ चार बारह है ना, तो एक तो होगा टू प्लस रूट ट्वेल्व मतलब टू रूट थ्री अपॉन टू, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन टू माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू ये तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि टू ये निगेटिव है और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस शुड बी रिजेक्टेड, दिस शुड बी रिजेक्टेड, आंसर क्या आया, वन प्लस रूट थ्री, दो से भाग दे दो तो आंसर आ गया वन प्लस रूट थ्री। कितने लोग को ये प्यार से समझ में आ गया, कितने लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये फिक्स होता है एग्जाम में तुम्हारे आएगा और तुम आंसर भी निकाल के लेके आओगे क्योंकि फिक्स मेथड है। कितने लोग को ये तुम्हारी मेरी बात समझ में आई, बहुत अच्छे से प्रेम से बोलो कशिश, कर लोगी अपने अपने मन से, कर लोगी या नहीं कर पाओगी, कर लोगी, क्वेश्चन दे हाँ या ना, और तुम लोग का तो प्राइम बैच है तो आराम से मैं चलता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शाम वाले बैच से तो हो जाएगा बाकी चीजें कवर, इलेवेंथ का तो उसी में तुम्हारा कवर हो जाएगा कि नहीं, इलेवेंथ का कवर, ट्वेल्थ का इधर कवर करवा दे रहा हूँ अच्छे से। अच्छा क्लियर है कि नहीं कशिश, हेलो
हेलो कशिश, क्लियर है ना? यस अच्छा थोड़ा ध्यान से, 1+√3, 1+√3, थोड़ा इसको करके देखना, इसको करके देखना, थोड़ा एक करके देखो इसको, इसकी वैल्यू निकाल के देखो। तो 1+√3 की वैल्यू क्या होती है बोलो ना वन यार? प्लस टू थ्री क्या? रूट थ्री। अरे आंसर 1+√3 तो आया है, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.7। 3, 2, 1 ऐसे होता है ना, तो ये हो गया 2.7321। मतलब लेस देन क्या आ रहा है, लेस देन 1, 2, 3 आ रहा है, लेस देन 3 आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ से देखना, मैं तुम्हें एक अच्छा सा वो दूंगा, कभी कभी क्वेश्चन में कंपेयर करवाता है। क्या कंपेयर करवाता है मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। तुमने क्या देखा कि कितने से कम आ रहा है, 3 से कम आ रहा है ना, बोलो। और हमारा क्वेश्चन क्या था प्लीज, बहुत बहुत प्यार से समझो इस बात को, क्योंकि पता है अगर नहीं समझे ना तो बहुत दिक्कत होगा। तुम अपना क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ध्यान ध्यान से एक बार पढ़ के मुझे बताओ। देखिए हम ऐसा मसला था, यही था ना गाइस, यही था ना। इनफाइनाइट था, तुमने ध्यान से सोचना, ध्यान से, ए वन था, ए वन था, ए वन था, है ना? ध्यान से सोचो, अगर मान लो ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, सिर्फ इतना चीज रहता, सिर्फ इतना चीज रहता, सिर्फ इतना चीज रहता, और इसके बीच में तुमको आर इक्विवेलेंट पूछा जाता है ए और बी के बीच में, तो क्या बताते हैं आर इक्विवेलेंट ए और बी, क्या बताते हैं बोलो? अबे बोलो यार, नहीं तो नहीं समझ में आएगा जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, बोलो। थ्री आता। लेकिन अब क्या किया गया है इसके साथ, ये जो इसको मैंने इसी को तो आर इक्विवेलेंट बोला है, इधर वाले पार्ट को जो काटा है उसको आर इक्विवेलेंट बोला है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो मैं इसी के साथ क्या करा, एक चीज और इनफाइनाइट पैरेलल में जोड़ दिया, आर जोड़ दिया पैरेलल में। तो तुम्हें एक चीज तो पता है ना कि अगर दो चीज पे दो रजिस्टेंस, इफ इफ टू रजिस्टेंस आर सर यहाँ पे आर स्टॉप हो जाइए, इन मैं पैरेलल। कनेक्ट कर लूँ, मुझे सब दिखाई नहीं दे रहा है। ओके ठीक है, और स्टॉप हो गया हूँ, करो रिकनेक्ट कर दो। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ गाइस, इसको ध्यान से सुनो। कशिश प्रिया कहाँ चली गई? अच्छा मेरी YouTube के वीडियो को लाइक नहीं करती हो क्या कशिश? करते हेलो। हैं करते हैं, अच्छा एक दो नहीं, जो नहीं देख पाते वो नहीं कर पाते, वैसे तो करते हैं। आपके ओके, और कमेंट तो बहुत कम आता है लेवल तुम्हारा। हाँ 11th का भी मैंने कुछ डाल रखा है एक्चुअली, 11th वालों के लिए। अच्छा कोई 11th का हो ना अगर तुम्हारे यहाँ प्रिपरे, 305 हो गए सब्सक्राइबर आपके, तीन सौ हाँ थ्री पांच हंड्रेड हो गए। हाँ थ्री हंड्रेड हो गया, सही बोला पहले तुमने, नहीं मैंने भी डालते देखा थे तो। सर वीडियो, पहले नहीं पहले पहले वीडियो नहीं में डालता था, डालते थे। नहीं डालता था, पर पता है पहले मतलब वो वाला बोर्ड वाला मसला था ना, पहले बोर्ड भी पढ़ाता था बच्चों को, ऑफलाइन पढ़ाता था ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था ना, तो वहां पे कौन ले जाएगा कैमरा, फिर रिकॉर्ड करेगा, फिर डालेगा, इतना बड़ा काम कौन करेगा? और अभी क्या है, अभी लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, आई रिकॉर्ड होता जा रहा है साथ साथ, हाँ अब इसको मैं चाहूँ तो डाल सकता हूँ, तो इट्स इजी ना, इट्स इजी। पहले शायद आपके 200 थ्री हाँ हंड्रेड है ना, 200 थे टू सब्सक्राइबर हंड्रेड जब थे, हाँ स्टार्ट। टू टू हाँ ऐसे ही,
200 थे, अभी हुए हैं 300, अभी अगर तुम सपोर्ट करो तुम लोग तो हो जाएंगे 1000, 1000 हो जाएंगे तो फिर मजा आ जाएगा, फिर मैं पूरा कोर्स ही डाल दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। वो प्रिया पता नहीं कहाँ चली गई। ओके विकास चौहान आ गए। एक क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें कशिश, इनफाइनाइट नेटवर्क का मैंने क्या बोला? अगर मैं, अब देखो, अगर मैं आर इसके पैरेलल में लगाता हूँ तो इफ टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल तो जो आर इक्विवेलेंट आता है ना वो उसके सबसे छोटे वाले से ही छोटा आता है, इन दोनों से छोटा आएगा, इन दोनों से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो एक से मान लो एक सबसे छोटा वाला है तो इससे छोटा आएगा कि नहीं, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, इससे छोटा आएगा, आएगा ना। तो इसको मिटा के, इन दोनों को मिटा के मैं इसकी जगह पे इसका आर इक्विवेलेंट लिख दूं, इस आर इक्विवेलेंट इनका लिख दूं, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट लिख दूं, और वो लेस देन वन लिख सकता हूं, वो लेस देन वन लिख सकता हूं ना, क्योंकि वन से छोटा आएगा वो हमें पता है, गारंटी के साथ पता है। ये बात समझ में आया? अब देखो, अब देखो, ये तीनों सीरीज में वन प्लस वन तो टू हो गया और उसमें कुछ एक से छोटा जोड़ रही है, तो आर इक्विवेलेंट पक्का, आर इक्विवेलेंट जो आएगा पक्का कितना आएगा, जो आर इक्विवेलेंट आएगा पक्का कितना आएगा, लेस देन 3। आर इक्विवेलेंट जो आएगा क्या आएगा, पक्का लेस देन 3 आएगा, 100% आएगा। ये बात समझ में आई? अगर ये बात तुम समझ गए हो ना तो अभी एक क्वेश्चन दूंगा, तुम आंख मूंद के लगा दोगी, बोल दोगी सर यही आंसर होगा। एम आई क्लियर? या फिर से बताऊं? या मैं फिर से बताऊं? चलो ठीक है, चलो मैं फिर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से, हाँ ये देखो, ये वन और आर है ना, वन एंड आर है ना, यहाँ पे वन है, यहाँ पे आर है, और हमको पता है इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट आएगा, जो इक्विवेलेंट आएगा थर्ड वाला, वो एक से छोटा आएगा, एक से छोटा आएगा, बताओ। अरे वन और आर का इक्विवेलेंट एक से छोटा नहीं आएगा, सिंपल। यस सर। वो अगर पैरेलल में है तो जो इक्विवेलेंट आता है वो सबसे छोटा आता है, इन दोनों से छोटा आता है, तो वन से छोटा आएगा। तो अब मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, वन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, विच इज लेस देन वन। तो अब निकालो ए और बी के बीच का, ए और बी का बीच का निकालोगे, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस, तो एक मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हो कि वन प्लस वन ये दो हो गया, और प्लस लेस देन वन तो दो से ज्यादा और तीन से कम, दो से ज्यादा और तीन से कम, तो हम कह सकते हैं ना कि जो R equivalent अब आएगा वो less than 3 आएगा, और greater than 2 आएगा, क्योंकि ये दो है और उसमें एक और कुछ जुड़ रहा है जो एक से कम है, तो R equivalent क्या होगा, पक्का दो से लेके 3 के बीच में होगा। तो तुम आंसर से भी अंदाजा लगा सकते हो, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तो इस फिर इसी पे बेस्ड फिर तो क्वेश्चन आओ करते हैं, आओ जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। प्रिया ने क्वेश्चन भेजा है, मैं उसको स्क्रीन पे ले लूं क्या? लेकिन अच्छे से भेजती नहीं है ना, दिक्कत है इसका, ये वैसे भी मतलब कैसे भी भेज देती है। सर मेरे फोन में फोटो अच्छा नहीं आता है। फोन में फोटो ही अच्छा नहीं आता। रुको इसके क्वेश्चन को स्क्रीन पे लेता हूँ। अरे नहीं, तो फिर अभी वीडियो में जो लोग देख रहे हैं, जो बच्चा देखेगा उसे थोड़ा नहीं समझ में आएगा ना, अभी क्या होगा कि ऐसे स्क्रीन पे ले लूंगा तो उसे भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या था, या मैं बना दूं क्या क्वेश्चन, फिर बना देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा कशिश, इसने आंसर भेजा है तो गैलोनोमीटर आ गया, एक्चुअली मैं वो पढ़ाने के मूड में था, पर मैं फिर से वो करता हूँ। इसने जो क्वेश्चन भेजा ध्यान से देखना, बहुत ही लल्लू सवाल है, पक्का कर दो। अरे तुम लोग ठीक है, दी हम शेयर कर देंगे ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हों। ठीक है, तुम लोग भी चाहो तो क्विज वगैरह क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर वो वाला हमने कर लिया है, 80 वाला, 81 वाला नहीं, वहां से
80 वाला 81 भी हो जाए, अरे 81 तो और भी आसान है। चलो मैं 80 अभी कसी से पूछता हूँ, 80 वाला मैंने कर लिया है। ओके अब और तुम्हें, तुमने जिस भी मेथड से करा होगा ना उससे लाख गुना ज्यादा लल्लू मेरा मेथड लगेगा तुम्हें क्या पक्का? नहीं सर, आपने जिस मेथड से करा है ना सेम वैसे ही करा था। तो फिर 81 तो और इजी है। हाँ कैसे दिख रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोम दोम का एक इनफाइनाइट नेटवर्क दिख रहा है, इसके बीच भी है। यस सर। अब ध्यान से देखो, आर की जगह इन्होंने दो ओम दे दिया है। अब हमको इस नेटवर्क को सॉल्व करना है। ये बोल रहे हैं भाई साहब, ध्यान से देखो, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बताइए ये भाई, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बात क्वेश्चन में बोला है कि आप बताइए कि जो आर इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा। ऑप्शन पहला लेस देन फोर ओम, लेस देन फोर ओम, बी ऑप्शन फोर ओम, सी ऑप्शन मोर देन फोर ओम एंड लेस देन 12 ओम, लेस देन 12 ओम। जो डी ऑप्शन है विच इज 12 ओम। एक क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर या नहीं, इनका एक क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू सवाल है, ठीक है, लेस देन फोर ओम या फिर क्या है, इस सवाल को कैसे करेंगे। अब मैं तुम्हें जैसे यहाँ पे कंपेयर करना सिखाया कि देखिए ऐसे कंपेयर करते, एक सीढ़ी काट देते हैं, कंपेयर करने के लिए मैंने क्या बोला, एक सीढ़ी काट दो, एक सीढ़ी काट दो और उसके बाद से जो बचे उसको एनालाइज करो। तो तीन ओम दिखा, कितना आर इक्विवेलेंट दिखा, तीन ओम दिखा, तीन ओम तो होना चाहिए था अगर ये सीढ़ी नहीं होती तो, लेकिन हमको पता है इसके वजह से एक आर इक्विवेलेंट पैरेलल में लग रहा होगा, तो ये जो वन ओम था ना वो वन से कम हो जाएगा, वन से कम हो जाएगा मतलब अपना आर इक्विवेलेंट भी वन से टू थ्री से कम हो जाएगा, तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, लेस देन थ्री होगा, लेकिन वन प्लस वन टू से तो ज्यादा ही होगा, तो टू से लेकर तीन के बीच में होगा, ठीक। तो इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तुम आंसर बताओ प्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा मेथड कैसा लगा, ठीक था? मैंने इसी मेथड से किया था सर, लेकिन 18 वाला मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है कशिश, तुम्हें क्या समझ में आया, सीढ़ी काट दूं, सीढ़ी काट दूं, ये काट दिया एक 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 यूनिट काट दिया, तो उससे क्या मतलब, अरे उससे क्या मतलब वो छोड़ो ना, लेकिन हमको तो ये हमको ये, देखो लेस अभी अभी ऑप्शन हम वेरीफाई करते हैं, हमने सीढ़ी काटा तो हमें क्या मिला, दो ओम यहाँ मिला, दो ओम यहाँ मिला और दो ओम यहाँ मिला ए और बी के बीच में। अब हमको पता है कि जो आर इक्विवेलेंट अगर ऐसा होता सिर्फ तो क्या आता, छ आता, लेकिन ऐसा तो होना नहीं है, ऐसा तो होना नहीं है ना, क्योंकि इसके पैरेलल में एक आके लगेगा, इस सीढ़ी की वजह से, इस नेटवर्क की वजह से एक पैरेलल में आके लगेगा। अब जब दो पैरेलल में होते हैं तो ये वाला तो दो से छोटा हो जाएगा, ये वाला दो से छोटा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा जो आर इक्विवेलेंट ए भी आएगा वो लेस देन छ होगा, लेकिन ग्रेटर देन चार भी होगा। देखो दो प्लस दो तो वही रहेगा, ग्रेटर देन चार भी होगा, तो अपना आर इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, आर जो होना चाहिए चार से लेकर छह के बीच में होना चाहिए। तो बोल रहा है लेस देन चार, गलत बात है ना, हमारा तो चार से बड़ा आ रहा है, चार ये भी गलत बात है, बारह ये भी गलत बात है, तो ये चार मोर देन चार ठीक है, लेकिन लेस देन ट्वेल्व, छह भी तो लेस देन ट्वेल्व होता है ना, पांच भी तो लेस देन ट्वेल्व होता है ना, तो बहुत हद तक ये सही है, समझ में आ रहा है। अगर इसी में कहीं मान लो ऑप्शन होता कि मोर देन चार एंड लेस देन सिक्स, तो फिर ये वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन इन चारों ऑप्शन को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे सही वाला ये दे रहा है, समझ में आया, तो हम इसी को टिक करके आएंगे। Am I right? नहीं आया मजा, कितने लोग क्लास में हैं? दो ही हैं। दो ही हैं? वो विकास चौहान आया था चला गया, मतलब क्या ही मसला करते हैं सब यार।
खैर छोड़ो, पढ़ो तुम लोग छोड़ो, एक बीके का विषय है वो भी रेगुलर रहता है, भले थोड़ा बीके पर अच्छा पड़ता है, रेगुलर है, इज रेगुलर गाय। ओके कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला समझ में आया, क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं अगला क्वेश्चन दूं, जैसे एक और इसका डाउट है इसी पे, इनफाइनाइट नेटवर्क का, इसने बोला 81 में डाउट है। अरे बहुत इजी सवाल है, कशिश इसको करके दिखा दो जरा तुम। क्या नाम है प्रिया, तुम भी करो इसको, ट्राई करो। यस, अब मैंने इसका कॉन्सेप्ट सिखा दिया सर, मैं तभी से वही कर रही हूँ, कम से कम 10 बार कर चुके हैं इसे, हर बार आंसर मेरा गलत आ रहा है। रियली देखना, मैंने कहीं सर्किट बनाने में गलती अगर मैं करूं तो मुझे बता देना, जस्ट इन्फॉर्म मी, अदरवाइज मेरा भी आंसर मैं बता दूंगी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है सर, सी और डी के बाद भी रजिस्टर है। हाँ मुझे पता है, इनफाइनाइट तक के पहले जो सी और डी है, जो ना जो सी और इनफाइनाइट नहीं है क्या? सर ध्यान से देखिए सर, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सर्किट ध्यान। अरे इनफाइनाइट तक क्या है यार, बीच में मान लो तुम ऐसा लगा दो ना, जल्दी भी लगा दो, बोल लो कि इनफाइनाइट तक क्या हुआ है। बीच में नहीं सर, आपने जो सी और डी बनाया है ना, उसके बाद भी रजिस्टर है। अरे ऑब्वियस सी बात है, रजिस्टर है, इनफाइनाइट नेटवर्क है तो बिल्कुल रजिस्टर होगा, इसमें कौन सा चिंता वाली बात करनी है। ठीक है चलो, इनफाइनाइट तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो कि हमको कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए, बताओ मैं सीढ़ी कहां से काटूं, हम मैं कहां से काटूं सीढ़ी कि मुझे ऐसा ही दिख जाए, ऐसा ही फोटो दिख जाए मुझे, ऐसा ही फोटो, यहां से काटूं कि यहां से काटूं? पक्का यहां से काटूं? पक्का ना, सेम फोटो दिख जाएगा। इसको काट के इधर लेके आओ, चलो इसको काट के इधर लेके आओ, चलो मैं काट के यहां से, यहीं से तुमको काट के दिखा दूंगा। देखो सेम फोटो दिखा ना, जो ऐसा यहां था वही सेम फोटो दिख गया, मैंने यहां से काटा तो देखो। Yes, नहीं दिखा? Yes, sir. तो मैंने बोला कि this is our equivalent, मैंने बोल दिया कि this is our equivalent, तो जो चीज होती वही चीज ये भी है, क्योंकि infinite तक जा रहा है तो ये भी our equivalent होगा, am I right? अब जब ये our equivalent होगा तो question yes. हो गया तुम्हारा solve, ये है तुम्हारा r, sorry, और ये है तुम्हारा यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r, अब इसको बोल दो r equivalent, या x बोल दें, x बोल दें, R equivalent x के बराबर है, मैंने मान लिया x के बराबर है, किसके बराबर है? x के बराबर है, अब कंफ्यूजन थोड़ा नहीं होना, अब x में बन जाएगा इक्वेशन। चलो अब करते हैं सॉल्व, इसका थोड़ा वो निकालना, ये तीनों किस में है, सीरीज में है, तो आर ए बी, आर ए बी क्या होगा, आर आर ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू आर, ये हुआ एक्स प्लस टू आर, और ये इसके साथ ही जो आएगा पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल में आएगा क्या, ये समझ में आ रहा है ना, पैरेलल में आएगा, यस सर, तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं, r अपॉन x प्लस 2r प्लस r, ये ठीक बात है, क्योंकि इसका पैरेलल में आएगा ना, तो पैरेलल के लिए क्या लिखाते हैं, a डॉट b अपॉन a प्लस, अब ये क्या है, a है और a b है, ये समझ में आया, तो मैंने r इक्विवेलेंट क्या ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है, R equivalent जो है x है, R equivalent जो है हमने define करा हुआ है कि x है, तो यहाँ पे x लिखो, x बराबर हो गया x r plus r, ठीक है x r plus
टू आर स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस थ्री आर। सर आपने तो एक्स लिया है ना आर इक्विवेलेंट के बी के। मैंने एक्स ही तो लिया, हाँ लिया मैंने आर इक्विवेलेंट एक्स माना है। हाँ कहाँ आर लिया यार, कहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं इसको आर इक्वल नहीं सर एक्चुअली मुझे वो एक्स नहीं दिखा, एक्स नहीं दिखा वो आर आर इक्वल दिखा। आर इक्वल जो इसका एक्स है ठीक है। अब इसका क्या करो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे करते हो मैथमेटिक्स जैसे सॉल्व करते हो, करो कैसे करोगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आर एक्स माइनस एक्स आर माइनस टू आर स्क्वायर बराबर जीरो। एम आई राइट, एक क्वाड्रेटिक बन गया। एक क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन कर लो, ये क्या हो जाएगा थ्री आर एक्स में से आर एक्स घटा तो क्या बचा टू आर माइनस टू आर स्क्वायर बराबर जीरो। जरा इसको सॉल्व करना, सॉल्व करना कैसे करेंगे, सिद्धाचार्य लगा दूं मैं, नहीं लगाओ सिरदर आचार्य माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर ये क्या होगा चार माइनस फोर ए सी, माइनस फोर ए सी करिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस चार दूना आठ अपान, ये तो आर रहेगा ही। एक्स कॉमन लिया है, हाँ हाँ एक्स कॉमन लिया तो थ्री आर माइनस एक्स थ्री आर माइनस आर टू आर बचा। एम आई राइट, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या भाइयों, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आर एक्स माइनस एक्स आर माइनस टू आर स्क्वायर मेरे ख्याल से तो सही है, अगर गलती हो तो बताओ। ठीक है अब देखो माइनस टू आर तो पहले कॉमन ही कर लो है, आर बाद में कॉमन, आठ चार बारह, आठ चार बारह को मैं क्या लिख सकता हूँ टू रूट थ्री लिख सकता हूँ अपॉन टू इन टू आर, ये क्या हो गया। अब देखो इसे आंसर मैच करो, दो से दो काट दो, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस रूट थ्री इंटू आर। अब इसका आंसर मैच करते हैं, इन्होंने आंसर में दिया है, हाँ आंसर नंबर बी इनके आंसर में दिया हुआ है, इनके आंसर में इनका आंसर जो दिया मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ आंसर ताकि आप लोग को ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर जो बी है वो कह रहा है रूट थ्री माइनस वन इंटू आर, तो दैट इज आंसर। इसमें कौन सा बड़ा बड़ा मतलब वो था कि आप आठ बार करी और आंसर नहीं आया, इसमें मैंने कौन सी रॉकेट साइंस लगाई कशिश बताओ, मेथड सेम है ना, एक ही मेथड है। और मैंने क्या बोला इसके क्वेश्चन फिक्स होते हैं, अगर एग्जाम में आया तो तुम 100% लगा के आओगी, अगर दो चार प्रश्नों का तुमने अभ्यास कर लिया दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हो तो 100% यू कैन सॉल्व दिस। क्लियर हो गया प्रिया, दिस इज क्लियर और नॉट? यस सर हो गए क्लियर, यस सर सवाल था। हाँ चलो एक और क्वेश्चन दू, एक और क्वेश्चन दू, यस सर ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा बता रहा हूँ ठीक है। चलो देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं ठीक है। अब थोड़ा सा इनफाइनाइट नेटवर्क का एक दो और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल एक एक लेवल उठाता जाऊंगा, दो चार प्रैक्टिस करवाऊंगा और एग्जाम से पहले भी ना तुम उसको देख लेना, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूछने के लिए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन अगर ये टॉपिक में से आया तो मुझे नहीं लगता है तुम छोड़ोगे। इनफाइनाइट तक जा रहा है, दिस इज ए दिस इज बी वन टू वन ठीक है, वन टू वन वन टू वन वन टू वन दिख रहा है, नेटवर्क दिख रहा है, इनफाइनाइट नेटवर्क दिख रहा है। अच्छा मैं अगर तुमसे पूछूं नहीं सर आपकी स्क्रीन पहुंच गई, कहां से कहां तक लाई कर सकता है इसका रेंज बता दो, कहां से कहां सर नहीं दिख रहा है, कहां से कहां तक हो सकता है सर, तुम क्या बताओगे एक एप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, एप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। हेलो सर
कशिश दी नहीं कुछ नहीं दिख रहा सर का पोज देखे क्या हुआ यार माई तो इसे बंद करता हूँ तुम लोग मजे ले रहे हो आते यार पढ़ाई करना है तुम्हें सर आप क्वेश्चन उतार रहे हो क्वेश्चन है ही नहीं अरे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा अब दिख रहा है पहले नहीं दिख रहा था तुमने कहीं और पिन कर दिया होगा नहीं सर तभी से मैं और कशिश से चिल्लाया जा रहा है और आप अपने बोलते ही जा रहे हैं हम लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा और आपको हमारी आवाज आ ही नहीं रही थी ठीक है चलो इस क्वेश्चन को करो सॉल्व करो आर इक्विवेलेंट निकालो फिर आराम से करते हैं फिर देखते हैं तुम लोग का कौन कौन सा डाउट है तुम्हारा 73 कैसे फंस गया सर मैं कर रही थी बट मेरा हो नहीं रहा था मुझे पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल जो पॉइंट हमारा ओ है वहां पे पोटेंशियल सेम होगा बट फिर भी मेरा नहीं आ रहा कोई बात नहीं भाई 72 कैसे फंस गया 72 तो सिमेट्री से हो जाएगा इक्विपोटेंशियल पॉइंट दिख रहे होंगे नहीं सर मैंने 72 नहीं फंसा है मेरा 73 है सर मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए सिंगेस के अरे मैं पढ़ाया ही ऐसा हूँ कि कोई भी कर ले इतने सितर से कौन पढ़ाता है ग्रेट टीचर कर अरे नहीं ग्रेट रेट नहीं हूँ लेकिन हाँ मैंने करंट मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत ही प्रेम से पढ़ाया है कुछ टॉपिक सारे तो नहीं पर कुछ टॉपिक जैसे केबल कैसे निकाले बच्चे को कभी दिक्कत नहीं होगी अगर मेरी बात मेरी चीजों को सुना है तो कॉम्बिनेशन में दिक्कत नहीं होगी पहली बार किसी टीचर ने कहा था किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर हमको आपका प्रयास समझ में नहीं आया और क्या ही मसला है कौन था सर पता नहीं एक्चुअली उसने मुझसे भी नहीं कहा उसने पता नहीं क्या मसला हुआ एक्चुअली उसको रूटीन थोड़ा वो सही नहीं लगा क्योंकि जिस दिन से पढ़ने आया था ना दो दिन तो पता है एक दिन तो मैं किसी काम में चला गया एक दिन लाइट नहीं थी तो उसके दो दिन तो वैसे ही गैप हो गए तो भाग गया चलो हम लोग कितने लोग कर लिए तो मैं इसमें क्या करना होता है ना कि स्टेप काटना होता है मैं कहां से काटूं यहां से काटूं या फिर यहां से काटूं ये मुझे बताओ कहां से काटूं कहीं से काट दीजिए सर ऐसे थोड़ी ना होता है कहीं से काट दीजिए गलत हो जाएगा यही तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा सिमेट्री देखो अगर मैं यहाँ से काटता हूँ सिमेट्री देखकर ही काटा है मैंने वो टू के बगल का ही काटा है मैंने हाँ इसको अगर तुम काटोगे ना तो सेम चीज मिलेगा रुको मैं मतलब लाइन नहीं देखो अगर मैंने सपोज दैट मान लो इसको मैंने क्या करा कट करा तो देखो वही चीज जो जो ऊपर लिखी हुई है ना वही चीज दिख रही है नीचे वही चीज दिख रही है नीचे आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा इसमें ऑप्शन क्या है और इसको यस सर ऑप्शन चलो ऑप्शन नहीं है करके आंसर मुझे बताओ पहले तो एक तो तुम्हें उससे बताना था इक्विवेलेंट से बता देना था ठीक है इक्विवेलेंट से तुम बता दिए होते तो काम तुम्हारा बन गया होता
इक्विवेलेंट से बताना है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे बताना है, इक्विवेलेंट से बताना है आई थिंक। एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर यू आर ऑडिबल। इक्विवेलेंट से बताओ, तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया इसका आर इक्विवेलेंट क्या है, एक्स है। अगर इसका आर इक्विवेलेंट एक्स है तो ये भी सेम चीज लिखी हुई है, तो इसका भी क्या होगा, एक्स होगा। सेम चीज लिखी हुई ना, अगर ये एक्स होगा तो चलो अपन लोग ऐसे कर लेते हैं, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज वन, और व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स। मैंने आर इक्विवेलेंट एक्स मान लिया, दिस इज ए और दिस इज बी, हमको ए और बी के बीच में निकालना। तो अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे गाइस, आर इक्विवेलेंट बराबर होगा, ये दो और एक्स किस में पैरेलल में है, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका इनका आपस में कॉम्बिनेशन करके क्या लिख सकता हूँ, टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू लिख सकता हूँ। अरे सिखाया था ना, दो पैरेलल में हो तो कैसे लिखते हैं, ए टू बी अपॉन ए प्लस बी, राइट? तो लिख दो टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, और इसके साथ ही दोनों सीरीज में, तो मैं एक और एक जोड़ के टू लिख देता हूँ। आर इक्विवेलेंट को मैं बोलूंगा एक्स, एक्स बराबर क्या, टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू बराबर वाट, सॉरी टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू प्लस टू, तो जुड़ा अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू वाट, टू एक्स प्लस एलसीएम ले लो, टू एक्स से टू एक्स को सही कर दो, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। थोड़ा जरा इसको सॉल्व करना, देखो सिर्फ दराचार्य लग रहा है या फैक्टराइजेशन, उसके बाद मुझे आंसर बताओ। मैं लगा के दिखा दूं सिर्फ दराचार्य या फैक्टराइजेशन, या तुम लोग लगा दोगे, लगा के मुझे फाइनली आंसर बताओ, नेग्लेक्ट भी करके बताना, सर पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे, या नेगेटिव नहीं लेंगे पॉजिटिव लेंगे, जो भी करना है करके बताओ मुझे, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो बताओ यार प्लीज। सब कुछ निकाल के दे दिया, ठीक है, सिर्फ सिद्धाचार्य लगाना है उसमें ही इनके इन लोग के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। वाह वाह, लाओ भाई सिखाते हैं सिद्धाचार्य। एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी, तो माइनस टू टू प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा चार प्लस चौदह, मतलब इतने बड़े गधे हो तुम लोग। सर मैं हूँ, हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। रूट फाइव तो माइनस तो नहीं लेंगे ना, वन माइनस रूट फाइव, क्योंकि रेजिस्टेंस निगेटिव थोड़ी ना, रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा, वन प्लस रूट फाइव। कशिश समझ गई, सीख गई या नहीं सीखी? Yes, sir. देखो ये प्रिया पता नहीं ये अपना वो करके आएगी या नाक कटवा के आएगी, ऐसा काम करती है हमेशा, इसके आंसर गलत रहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस दैट इज अ वेरी बैड थिंग। सर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते, मैं हमेशा कैलकुलेशन गलती करती हूँ, उसी की वजह से तो कैलकुलेशन मिस्टेक गलती होता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है, अदरवाइज क्यों कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा किसी के, इधर बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, और तुम लोग को मैं देता हूँ, ठीक है।
जल्दी से करके आंसर बताना, शॉर्टकट के पीछे मत भागना, बहुत सारे लोग शॉर्टकट वर्डकट सिखाते होंगे। मैं तो यही कहूंगा कि जो मेथड है अपना बेस्ट है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और कर लो, फिर उसके बाद मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दूंगा बढ़िया वाला, ठीक है, उसमें तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। चलो डैश 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 चलता रहेगा, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, 2 4 6, 2 4 6 6, फिर 2 4 6, 2 4 6, ऐसे करके चल रहा है रेंज में। और वो फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट, एबी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट बताना है आपको। कैन यू टेल मी आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एबी, प्लीज प्लीज टेल मी, कैन यू फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एबी और नॉट, एकदम क्लियर क्लियरली बताओ, क्लियरली। यस सर, जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर दो, सॉल्व दिस। देखता हूँ कितने लोगों का आंसर आ पाता है, ये तो आंसर आ ही जाना चाहिए। हेलो शाबिया, एम आई ऑडिबल? हेलो शाबिया, हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन देखो, फिर लास्ट में क्वेश्चन के बाद मैं वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, आज ही जाके देख लेना, ठीक है। How to find the R equivalent of infinite network, बहुत ही सिंपल वीडियो रहेगी, ठीक है। बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से समझाया, कशिश तुम लोग को समझ में आ गया है कि नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें। वैसे ट्राई करो, तुम अभी भी अभी से भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि ये नहीं समझ में आएगा, सॉल्व करके मुझे दिखाओ, ठीक है। मैं सॉल्व कर दूं सवाल को या तुम लोग करोगे? बहुत टाइम लेते हो, करो करो, मैं वेट करता हूँ आराम से, कोई मुझे तेजी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या नाम है, इसका नाम क्या है, शाबिया, समझ में आ रहा है या मैं बता दूं फिर से तुम्हें एक बार? सब बता दीजिए। अभी मसला ऐसा है ना कि देखो, तुम्हें ऐसी सिमेट्री ढूंढनी है, ये पूरा इनफाइनाइट तक है ना, इनफाइनाइट तक है पूरा। अगर मैं इसको देखो, यहाँ 2 ओम है, 4 ओम है, 6 ओम है, अगर मैं इसी चीज को यहाँ से मैं काट दूँ, मैं यहाँ से काट दिया, अगर मैं इस चीज को यहाँ से काट देता हूँ, और मैं काट के तुम्हें दिखा भी रहा हूँ, देखो मैं उसको वहां से काट के तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ से पकड़ा, मान लो कटर उठाया, यहाँ से काटना स्टार्ट कर दिया, मैं यहाँ से काट के इसको क्या करता हूँ, नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अबे नीचे आ गया, अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, कुछ फर्क दिख रहा है, कुछ फर्क दिख रहा है? नहीं, ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, भी 4 4 6 2 4 6 सेम पैनल, सेम वो बनाते हुए, एक वो बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। और ये भी वैसे ही जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, वो भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ दोनों सेम है दोनों का। तो मैंने मान लिया कि अगर अगर इसका आर इक्विवेलेंट, इसका आर इक्विवेलेंट ए बी, ए और बी के बीच जो आर इक्विवेलेंट आएगा निकल के, मैंने अपने मन से मान लिया एक्स है,
तो इसके अब इसका भी जो निकल के आएगा वो एक्स ही होगा. एम आई राइट, एम आई राइट और नॉट, प्लीज बता दो. अरे बोल दो भाई. तो तुमने क्या करा, इतना जितना काटा है उसको मिटा दो और उसकी जगह एक्स भर दो, जितना काटे हो उसको मिटा दो और उसकी जगह क्या कर दो, आर इक्विवेलेंट एक्स रख दो, आर इक्विवेलेंट एक्स रख दो. चलो क्योंकि तुमने बोला है ना इसका आर इक्विवेलेंट एक्स है, तो जहां से काटे हो वहां से उसको एक्स पुट कर दो बस. अब तुम इस छोटा सा नेटवर्क नहीं हो गया, अब तो छोटा हो गया. ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए तुमने, कराया कि नहीं कराया. अब इसको उस जैसे सॉल्व करते हैं, छोटे से नेटवर्क को वैसे सॉल्व कर लो. कैसे करेंगे, छ एक्स और चार किसमें है, सीरीज में है, सीरीज में है ना, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, टेन प्लस एक्स आएगा. देखो छह चार दस प्लस एक्स, इनका इक्विवेलेंट ही आया. एक पैरेलल है किसके साथ, दो ओम के साथ, एक पैरेलल है दो ओम के साथ, तो फाइनली यार इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, इसका एक दोनों पैरेलल है तो पैरेलल जब होते हैं दो रेजिस्टेंस, तो आर वन इंटू आर टू अपान आर वन प्लस आर टू, टेन प्लस एक्स और प्लस आर टू, आर टू की जगह टू रख दो. तो ये क्या हो गया, 20 प्लस 2x अपॉन 12 प्लस x. अब r इक्विवेलेंट की जगह पे मैं क्या रखूं, r इक्विवेलेंट की जगह मैंने बोला x है, तो x रख लेता हूं, x बराबर 20 प्लस 2x अपॉन 12 प्लस x. अब यहां से इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकती हो, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया. x की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ साबिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंपल. एक्स कितने लोग का आ गया, अरे कितने लोग का आ गया मेरे भाई, नहीं आया एक्स, क्या ही मस्त मसला है. हेलो कशिश, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, या मेरा नेट ही चला गया, नेट चला गया क्या मेरा, नहीं. कितना आया x की वैल्यू, प्रिया x नहीं आया, 5 प्लस में नहीं आ गया, एक मिनट बताओ x की वैल्यू बताओ, प्रिया तुम भी बताओ x की वैल्यू, व्हाट आर यू डूइंग. चलो शाबिया तुम करो, तब तक इस इक्वेशन को सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं. भागे तो ना खादेगिरी कर रहे हैं सब. 12x प्लस x स्क्वायर बराबर 20 प्लस, अपन लोग करेंगे x स्क्वायर, इसको इधर लाओ तो हो जाएगा माइनस टेन एक्स माइनस ट्वेंटी बराबर जीरो. अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इधर चार लगाऊंगा, फाइव आ रहा है, फाइव प्लस माइनस नहीं थ्री रूट फाइव, हाँ रूट में आएगा ठीक है. x बराबर हो जाएगा माइनस बी, तो ये हो गया दस प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो दस का स्क्वायर सौ माइनस फोर ए, ए की जगह वन है और सी की जगह क्या है माइनस ट्वेंटी है, तो फोर ए सी नहीं मुझे लगा डर के मारे नहीं बोल रही है क्या, ठीक है एक डर नहीं लगता, हाँ होगा गलत होगा, बेइज्जती होगी, रूट एक सौ अस्सी और बट्टा दो हो जाएगा. अब रूट एक सौ अस्सी को रूट से बाहर निकालो, तो कैसे निकालेंगे बताओ, नब्बे ऐसे कर लो, देखो नब्बे मल्टीप्लाई बाई टू ऐसा कर सकता हूँ, नाइन मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव है, ऐसा कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ ना. अब नाइन को बाहर निकाल दो थ्री और फोर को बाहर निकाल दो, तो टू ए बच गया, ए बन गया तुम्हारा, फाइव टेन लिख दे हैं, फाइव प्लस माइनस सर, हाँ जी गलती लिख दिया हूँ क्या, यस कुछ गलती लिख दिया हूँ, इक्वेशन ये नहीं बनेगा इस बार, मैं गलत नहीं हूँ. अच्छा 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 2 एक्स, क्या गलती कर दिया मैंने बताना, नीचे इक्वेशन आपने गलती बनाया है, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं रहेगा वहां पे, प्लस 10 एक्स रहेगा, हाँ हाँ प्लस 10 प्लस 10 एक्स रहेगा. अगर मान लो सपोज दैट प्लस 10 एक्स भी रहा तो माइनस हो गया बस, ठीक है यहाँ पे बात yes, तो है ना, बहुत फर्क है तो प्लस हाँ फर्क तो पड़ेगा, माइनस ये क्या हो गया तीन मल्टीप्लाई बाई दो मल्टीप्लाई बाई रूट फाइव, अपन दो है दो से कट गया, तो आ गया माइनस फाइव प्लस माइनस सिक्स रूट फाइव, तो प्लस वाली वैल्यू ले लो माइनस वाली वैल्यू छोड़ दो,
तो आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर -5 + 6√5, दिस इज आंसर। कितने लोग को मेरा आंसर समझ में आया, एम आई राइट? कितने लोग का यह आंसर आ रहा था? अरे नहीं आ रहा है किसी का, इतना आएगा? कितना आ रहा था? मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है क्या गाइस? स्लाइड पीछे करिए गाइस, स्लाइड पीछे करिए, और पीछे करिए, पीछे आप क्या, इसी पे तो क्वेश्चन दिया था, आप कितना पीछे कर दो। सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यस सर, आपने सही किया, बट आपने 2 से डिवाइड नहीं करा है ना? कितने लोग का इतना तक आ रहा था? मेरा। गुड गुड, ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, जे एडवांस का क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, आओ क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं आज का। अगर इसको कर लिए तो समझ लो नेटवर्क वर्क समझ में आ गया तुमको, नहीं समझ में अगर नहीं कर पाए तो समझ लो थोड़ा एक बार वीडियो और देखने की जरूरत है। मैं क्वेश्चन निकालता हूँ अपने फोन से जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, कहाँ गया? उसके बाद हम कल से हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इंस्ट्रूमेंट 1 1 2 2। हाँ चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। सर मैथ्स की क्लास तो शाम को होगी ना? हाँ मैथ्स की क्लास शाम को होगी यार, कोई इशू हो गया क्या? कल से टाइमिंग फिक्स हो जाएगा तुम लोग का, पहले आप नहीं कल से क्या, आज मैं कोविड के लिए टीका लगवाने जाने वाला था, ठीक है, लग ही नहीं पाया, हमारे इतना शॉर्टेज चल रहा है, क्या कहें यार। तुम लोग लगवा लिए टीका? नहीं सर, अभी तो 18 से कम है। ओह अच्छा, हाँ तुम लोग तो अभी बच्चे हो, बच्चे। दिस इज़ ए। अब फाइंड करो, देखो मजा आएगा इसमें। टिन 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 टिन, देखो जीपी बन रहा है, अब देखता हूँ कितने लोगों को क्लियर कट समझ में आ रहा है। काटो जरा, देखिए कैसे काट रहा हूँ, ठीक है? चेंज हो रहा है, इसने पकड़ लिया। इसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कर लोगे। पता है मेरे टाइम में ऐसा क्वेश्चन आया था तो मैं उलझ गया था, क्योंकि नेटवर्क में समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से काटूं कि वही वाला दिखे, कहीं से भी काट रहा था वो वाला नहीं दिख रहा था और ना ही दिखेगा, तो तुम सोचो कि कहां से काटेगी वो वाला दिखे। फाइंड द आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी के बीच में आर इक्विवेलेंट। अच्छा इसमें क्लियर दिख रहा होगा ना, ज्यादा बढ़िया HD। तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर अभी थोड़ा वैसे लिखते हैं ना, पावर पॉइंट भी लिखते हैं ना। हेलो, अभी मैं उनको ओपन बोर्ड सिखा दे रहा हूँ किसी दिन उनको। मैं सर दिस, आज मैं तुम लोग के क्लास में आया था, केमिस्ट्री की क्लास में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मतलब पावर पॉइंट पे चल रहा है, तो वही सोचा कि मैं बोलूँ, फिर मैं सोचा कि चलो मैं बाद में उनको बता दूंगा कि कैसे, पावर पॉइंट से भी बढ़िया सोर्स हैं जिसपे हम कर सकते हैं। We have to upgrade ourselves, तभी तो बच्चे आएंगे। मतलब मैं इतना बढ़िया बढ़ाने की कोशिश करता हूँ फिर भी बच्चे नहीं आते, भाग भाग जाते हैं, कुछ लोग को पैसा ही नहीं देते हैं। BSc एग्रीकल्चर अच्छा, बीटेक का फॉर्म भी भर एक बार बताऊं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कहां से काटूं बताओ, कहीं से काट दूं?
ये कहती है कहीं से काटूंगा तो होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मान लो मैं यहाँ से काट रहा हूँ, मैं यहाँ से काट दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से काट रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैं तुम्हारे सामने काट के इसको दिखा रहा हूँ, इस नेटवर्क को। मेरे पास तो टूल है, मैं तो लो काट दिया, ठीक है। इस टूल का यूज क्या, कट गया ये नेटवर्क, कट गया, ठीक है। अब ये नेटवर्क कट गया तो जरा ध्यान से देखना, ये उसी का दुगना चल रहा है। वहां एक था, यहाँ दो था, यहाँ दो था तो यहाँ चार था, यहाँ दो है तो यहाँ चार है, यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे आठ है, मतलब दुगना चल रहा है, दुगना चल रहा है। तो मान लो, सपोज दैट मैंने मान लिया कि इसका आर इक्विवेलेंट एक्स है। अब तुम्हें एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैंने लिखवाया भी था शायद इस बात को, कि अगर किसी नेटवर्क में, अगर किसी भी नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में अगर आप सारे रेजिस्टेंस को एन गुना कर देते हैं ना, सारे रेजिस्टेंस को, पूरे आर को एन टाइप कर दीजिए, एन टाइम्स कर दीजिए, तो इक्विवेलेंट भी एन टाइम हो जाता है, एन टाइम हो जाता है। ये याद है, किसी को पता है कि नहीं पता है? अरे प्रैक्टिकली देख सकते हो यार, मान लो यहाँ पे दो ओम का लगा दिए, यहाँ क्या करिए चार ओम का लगाए, इसके अक्रॉस एबी के अक्रॉस निकाल के देखे कितना आ रहा है, ये घुमा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ इसको एन गुना कर दो, एन टाइम कर दो, इसको कर दो तीन से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी तीन से मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो ये क्या हो जाएगा, छह बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, चार तीन बारह बन जाएगा, इनको जोड़ के देखो अट्ठारह आएगा। तो इक्विवेलेंट भी अपना एन गुना हो जाएगा, देखो छह से मल्टीप्लाई करके देखो अठारह आएगा। यही नहीं, ये पैरेलल में भी लागू होता है, किसी भी तरीके का अरेंजमेंट हो लागू होता है। अगर आप आर को एन गुना कर रहे हैं, लेकिन एक आर को नहीं, सारे आर को अगर आप करिएगा ना एन गुना, तो सारे आर को करिएगा, ऐसा नहीं कि किसी एक को कर दिए और सोचे कि इक्विवेलेंट एन गुना है ना, सारे आर को करिए। तो देखो यहाँ सारा आर जो है ना दुगना होता जा रहा है, सारा जो आर है दुगना होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। तो इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज 2x, दिस इज 2x, अगर इसको x बोलूंगा तो दिस इज 2x। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, अब इसको सॉल्व कर, चलो इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, इससे आगे मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, यही ट्रिक था इसमें, बस खत्म। नहीं मजा आया क्या? मुझे लगा कि तुम लोग को मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। ओके, इसको कर लो फिर हम लोग वो देखते हैं। सर मुझे समझ में नहीं आया। अरे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ो जो लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ो, किसी भी नेटवर्क को अगर मैं सारे आर को एन टाइम कर दूंगा तो इक्विवेलेंट एन टाइम हो जाएगा। मैंने यहाँ से काट लिया और इसको एनालाइज किया तो देखा कि सीसी यही नेटवर्क है, बस उसके सारे आर को दुगना कर दिया गया है। नेटवर्क यही है, देखो पहले वन था तो उसका यहाँ दो हो गया है, यहाँ दो था तो यहाँ चार हो गया, यहाँ चार था तो आठ हो गया, आठ था तो सोलह हो गया है। नेटवर्क यही है, इसके सारे एलिमेंट को दुगना कर दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे साफ। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं इसका आर इक्विवेलेंट एक्स मान रहा हूं तो इसका आर इक्विवेलेंट 2x हो जाएगा, सिंपल। क्या डाउट आ गया, जेई का क्वेश्चन है, नहीं आया अभी भी, नहीं आया, आ गया सर, नहीं सर आ गया। तो बस इसको करो, इसको काट के हटा दो, इसको काट के हटा दो, मतलब इसको मिटा दो, और इसके जगह क्या लगा दो, 2x का लगा दो, इसका इक्विवेलेंट 2x है ना, 2x का लगा दो। अच्छा साबिया चली गई है क्या क्लास, या क्लास में है? टू एक्स का लगा दो, अब इसको सॉल्व कर दो। हेलो शाबिया, समझ में आया? शाबिया खान कहाँ से स्टार्ट करो, अरे यहीं से जा काट के, चलो कोई नहीं, एक बार इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, हाँ इसका आंसर बता दो गाइस, मुझे जल्दी से आंसर बताओ, फिर मैं एक दो डाउट्स ले लेता हूँ तुम लोग को। एक बुक जो मैंने अभी बुक का पीडीएफ सेंड किया है, सबने देख लिया उसको, अब तो लगभग लग जाते होंगे तुम लोगों से क्वेश्चन। साबिया तुमने लिमिट का देख लिया, लिमिट का दोनों वीडियो? यस सर, मैंने दोनों तो यूट्यूब पे भी डाले हैं, एक ही डाला है। माइनस वन प्लस रूट फाइव प्लस माइनस
माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव, चलो माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव यही है राइट। ठीक है ना गाइस? हाँ बताओ प्रिया, तुम्हें अगर कोई इश्यू हो इससे रिगार्डिंग तो, इससे इसके रिगार्डिंग अगर कोई इश्यू हो तो बता दो मुझे, फिर मैं खत्म कर देता हूँ आज का लेक्चर ही खत्म करता हूँ। नहीं सर, वो वाला डाउट बता दीजिए जो मैंने पूछा था आपसे, 73 वाला। 73 देख लें भाई, आइए इनका देख लेते हैं, डाउट देख लेते हैं। तुम टेलीग्राम पे क्यों भेज रही हो, व्हाट्सएप पे भी ज्यादा हो? टेलीग्राम पे क्या होता है, इतने ज्यादा ग्रुप हैं और मेरा दो दो टेलीग्राम का आईडी है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन कहाँ भेज रहा है, सबको रिप्लाई नहीं होता हूँ। कौन सा 73 वाला? हाँ भाई, ट्रिपल 10 क्वेश्चन नंबर 7 इसी नंबर पे किया है ऐसे। अच्छा ओके, कौन है जी, किसके माइक से नॉइज आ रहा है? एक्चुअली मैं अपने को ए और बी, ठीक है बी हो गया, दिस इज डी हो गया, ओके दिस इज ओ हो गया, दिस इज डी हो गया, दिस इज ओ ए और सी, मस्त नजरों से सॉल्व हो जाएगा ऑब्वियसली। हाँ भाई, और ठीक है और ए के बीच, ओ और ए के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। हेलो, आर इक्विवेलेंट ओए पूछा है, आर इक्विवेलेंट कशिश इस क्वेश्चन को ट्राई करोगी तुम? ये क्वेश्चन नेटवर्क में दिख रहा है तुम्हें? सारे सारे के सारे दो अंक हैं, सारे के सारे दो अंक हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहोगी मैं बता दूं? नहीं सर, आप बता दो। मतलब खुद नहीं करना है कुछ, सब कुछ सर कर दें? वाह चलो भाई, हम तो कर ही देंगे यार, पैसा किस बात का दे रहे हो तुम लोग। सर मेरा भी एक क्वेश्चन बता देना। हाँ बोलो, क्वेश्चन भेजो व्हाट्सएप पर, जिसको भी डाउट है व्हाट्सएप भेज दिया करो, भेज दिया बहुत बढ़िया। हाँ बताते हैं, उसका आंसर गलत आ रहा है। कोई नहीं, ओ और ए, वो जिसको जिसको तुम्हें देना है ना, मतलब जिसके जिसके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, उसको पहले तो तुम एक पास रख लो, मतलब दो टर्मिनल बना लो। अब बाकी देखो, अगर ए बी है तो पक्का ए भी बी होगा, ए भी बी होगा ना, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। यहाँ पे सी लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, ओ और ए तुमने लिख लिया, यहाँ पे सी लिख दो। अब कि कौन सी टर्मिनल तुमने डिफाइन कर लिया, ए बी है ये है, ठीक है, और ए बी है ये है और ये है, सी और बी के, अच्छा बी टर्मिनल मैंने दिखाई नहीं, ये बी टर्मिनल है, दिस इज बी टर्मिनल। अब देखो सी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में कौन कौन से कितने ओम का रेजिस्टेंस है? दो ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद ए और बी के बीच में फिर से दो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। अब देखो ए और ओ के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है? दो ओम का रेजिस्टेंस है, दो ओम का। अब देखो काट दो इसको, इसको काट दो, और किसको काट दो, तुमने इसको ले लिया, इसको काट दो, और ए और ओ के बीच दो ओम तुमने बोला, इसको काट दो, बी और ओम के बी और ओ के बीच में दो ओम का रेजिस्टेंस है, इसको भी काट दो, है ना, काट दो। ओ और बी के बीच में फिर से दो ओम का रेजिस्टेंस है, इसको भी काट दो। अब कौन बचा? ओ और सी, ओ और सी के बीच में एक दो ओम का रेजिस्टेंस है,
इसको भी काट दो, और बी और सी के बीच, बी और सी के बीच तुम का रेजिस्टेंस है। और फिर से बी और सी के बीच कितने ओम का? 2 ओम का रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन तो अब तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब तुम्हें कुछ इजी दिख रहा होगा, देखो रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ यस कैसा। सर, इसका तो हो गया एक, यहाँ पे ओ है, दिस इज ओ, यहाँ पे है ए, और यहाँ पे क्या है बी। देखो इसका हो गया 1 ओम, इसका भी हो गया, इन दोनों को मिला के हो गया 1 ओम, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है? और ये दोनों है, ये दोनों है कितने, 1 ओम के बचे हैं, 1 ओम के। और इसका यहाँ पे एक सी है, उसका जोड़ीदार है, इसका भी कहाँ पे है, यहीं पे है कहीं, इसका भी यहीं है कहीं, क्या कहते हैं इसका, कितना ओम है, 1 ओम। इसका भी बीच में कहीं दे दो 1 ओम। यहां तक समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? और इसको दे दो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस, जो कि पहले ऑलरेडी है यहाँ पे। यहां तक किसी को इशू तो नहीं है? यहां तक किसी को इशू तो नहीं है भाई? हाँ या ना सर जवाब। मुझे है, मुझे है। ओ हाँ कोई इशू तो से ए के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस रेजिस्टर है ना, तो आपने 1 ओम क्यों लिखा है? ओ से ए के बीच में, अच्छा ओ से ए के बीच में 2 ओम का, हाँ ठीक है। अब तुम यहाँ पे दिमाग लगाओगे अपना कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो इसको जरा सी को तुम्हें और दिमाग लगाने के लिए जरूरत नहीं है, सी को ना उधर मत लिखो, तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अरे सर ये क्या चल रहा है। सी को उधर मत लिखो, सी तो अपने मन का है ना, हम किधर भी लिख सकते हैं। सी को तुम इधर लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 2 ओम का लगा है, और यहां से यहाँ के बीच में लगा है 1 ओम। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। यस सर, सर अब बताओ कैसे करें, अब बताओ कैसे करें। वो सीरी वो दोनों सीरीज में है, फिर उसके बाद पैरेलल, ऐड कर लेंगे तो वो ये दोनों पैरेलल भी हो सीरीज, जाएंगे। देखो पैरेलल में ध्यान ऐड कर लेंगे से, ध्यान से यस सर, देखो, सीरीज ये 2 और 1 किसमें, सीरीज में है, 3 बन गया। में तो इन तीन की, इस 3 को हटा दो, इसको हटा के 3 लिख दो, 3 लिख दो। आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब तुम लोग समझ रहे हो, 3 लिख दो। यस सर, अब ये उसके बाद कितना ये है, पैरेलल ये हो कितना है, ये जाएगा पैरेलल में 1 था, 1 ओम था ना पैरेलल में। उसके बाद ये किसके साथ आ सर। जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो पैरेलल में आ जाएगा, खत्म, सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। टर्मिनल वाला, टर्मिनल डिफाइन करके करने में कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान, समझ में आया। अब कशिश का आंसर, यस कशिश का, सर, कशिश का, कशिश ने व्हाट्सएप करा है, ग्रुप पे व्हाट्सएप किया करो, ठीक है। कशिश को बोला हूँ, अरे क्वेश्चन करवा चुका कशिश, मैंने क्वेश्चन करवाया नहीं था क्लास में। हाँ अच्छा, ऐसे करवाया सोचो, अच्छा तुम कंफर्टेबल नहीं रहती क्या उन जनरल बैच में ज्यादा? होगा। नहीं, ये समझ में नहीं आ नहीं रहा। वो समझ में नहीं, आज बोलती भी भी नहीं हो क्वेश्चन वहां पे। कराया, आज भी क्वेश्चन कराया, ये सारे समझ में आया मेरे। ये सारे समझ में आए आपके? अच्छा अच्छा तो वहां पूछता हूँ समझ में आ गया, तो बोलती हो नहीं और कहती हो हाँ समझ में आ रहा है, और अब कह रही हो नहीं नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल। चार दो, और यहाँ पे 4 2 4, दो, दो, ठीक है, दिस इज एफ, बी एफ, डी सर पॉज हो गया है ना। हेलो सर, सर सर गए।
वो जो क्वेश्चन भेजा था तूने कब भेजा था? परसों भेजा था शायद, वो हो गया? हाँ दी, मैंने कर लिया। हाँ कर लिया। सही दी, मैं खुद कंफर्टेबल नहीं रहती जनरल बैच में, बट कोशिश करते हैं कंफर्टेबल होने की। नहीं तो हम ऐसे करेंगे कि नहीं आया नहीं आया, फिर उन्हें क्या पढ़ाएंगे सर, फिर ऐसे पीछे रह जाएगा। मैं तो बोलती हूँ जबरदस्ती। Am I audible, guys? Yes, sir. Hey, बोलो यार। Okay, respond करो। ठीक है। Okay, option option क्या आते हैं? ये दिख रहा है तुम्हें? दो और दो सीरीज में दिख रहा है? दो और दो सीरीज में दिख रहा है? सर स्क्रीन स्क्रीन। अच्छा स्क्रीन नहीं है। Sorry for this. Actually, अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। Let me present my screen. I think आप सो रही होगी। सर रिया के भी समझ में नहीं आता जनरल बैच। हाँ प्रिया, तुम्हें समझ में नहीं आता? मतलब जो लोग ज्यादा पैसे देते हैं, कोशिश करनी पड़ती। अच्छा, मतलब जो लोग 8000 पैसे 8000 देते हैं ना, उनको इसी बैच में 8000 वाले ही बैच में समझ में आएगा। अगर उनको 2000 वाले बैच में दो दिन गुजारा करना पड़े तो नहीं समझ में आएगा। मैं समझ सकता हूँ। नहीं सर, बट मैं कभी शिकायत करती ही नहीं। नहीं तुम्हें करना चाहिए, ऑब्वियसली अगर तुमने पैसे दिए हैं तो तुम्हारा हक बनता है, करना चाहिए। अब कशिश ने देखो, कशिश ने क्या करा? मुझसे नहीं बोला कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, अपने भैया से जाके बोला। हद है यार, मतलब तुम टीचर से बात करो। मैंने भैया, मैंने किसी से नहीं बोला। तुम्हारे भैया कह रहे थे तो उन्होंने क्यों कहा कि मतलब मैं पैसे पे करूंगा जब आप ऐसा करेंगे? भैया ने पूछा था कितनी क्लास चल रही है, तो मैंने बोला अभी तो एक ही चल रही है। एक ही चल रही है भैया? पे मैसेज आ जाता है ना। अच्छा, भैया भी तो ज्वाइन है उसमें। किसमें? लाइव क्लास चली नहीं रही उससे 3 दिन से, इसलिए पूछा था भैया। अच्छा AICUP वाले में। अभी रुको, तुम्हारे भैया को रिमूव करता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये दोनों किसमें है? सीरीज में है या नहीं है ये बताओ? यस सर, सीरीज में है। तो ये क्या हो गया? 2+2 4 हो गया। तो इसको मिटा के मैं 4 लिख दूं, हाँ या ना? Yes, बस चार लिख दो। अभी 4 और 4 किस में आ गए? अब इसको इन दोनों का फिर कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, 4 और 4 मतलब 4/2। बताया था ना आर और आर पैरेलल में हो तो आर बाई एन होता है, तो इसको मैं मिटा के 2 लिख दूं। बताओ बच्चे, बहुत लल्लू सवाल था। चलो ये हो गया 2। अब 2 और 2 किस में हो गए? सीरीज में हो गए। देखो जो करंट इसमें जाएगी यहाँ से होके वही गुजरेगी, है हो गया। तो इस सीरीज का दोनों सीरीज में हो गया कि नहीं हो गया? बोलो यार, मैं मिटा के 4 लिख दूं या नहीं? Yes, बहुत बढ़िया। तो मिटा के 4 लिख दो, तुम मिटा के 4 लिख दो। ये 4 और 4 किस में हो गया? पैरेलल में हो गया। बताओ ना, पैरेलल में हो गया। तो इसको मैं मिटा के 2 लिख दूं, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इसको मिटा के मैं 2 लिख दिया, ये हो गया 2। अब 2 और 2 किस में हो गया? फिर 4। बहुत अच्छे, ये 4 बन गया 4। अभी 4 और 4 किस में हो गए? 4 और 4 पैरेलल में हो गए, तो इनका क्या होगा? 2 होगा। बहुत अच्छी, इसको मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ 2। 2 और 2 किस में हो गए? सीरीज में हो गए। देखो जो करंट जाएगी वहां से इधर आ जाएगी, तो इसको मैं मिटा के लिखता हूँ 4। इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ 4। तो इसके क्रॉस दो, हाँ दिस इज 4, दिस इज 4। अबे 4 और 4 किस में हो गया? पैरेलल में हो गया, तो 4/2 2। आसान सवाल था, आसान था। अरे मेरे तो क्यों नहीं पता नहीं, तुम्हारा दिमाग कहाँ रह रहा है आजकल। ठीक है, क्या समझ आया? 61 वाला। अरे भाई 61 वाला नहीं, 51 वाला। एक ही क्वेश्चन क्यों भेजते हो? सारा बोल दो एक ही बार। नहीं सर, मैंने सारा एक ही साथ बोल दिया, भेज दिया था। मतलब भेजने से नहीं होता ना, उसमें बोल दो कि ये वाला फंसा है, मुझे कैसा। चलो 51 देख लेते हैं इसका यार। ये बड़ा क्वेश्चन है, मतलब लिखने में टाइम लगेगा यार। ठीक है, मैं स्क्रीन पे कर ले जाऊंगा ना एक बार। हाँ अरे नहीं तो बाकी बाकी बच्चे क्या मुंह देखेंगे, क्या क्वेश्चन चल रहा है। चलो मैं लिख देता हूँ।
टू वायर ऑफ इक्वल डायमीटर ऑफ रेजिस्टिविटी रू वन एंड वी टू. एक वायर वन है जिसका दोनों का आर सेम है, वायर टू है दोनों का आर सेम, इनका रेजिस्टिविटी जो है रू वन है, ठीक है, और लेंथ जो है एल वन बहुत ज्यादा L1 और L2 are joined in series, the equivalent resistance of the combination. The equivalent resistance of the combination. Sir, resistivity ही पूछा है. अच्छा, resistivity. Equivalent resistivity पूछा है, तो बहुत लल्लू सवाल पूछ लिया. मान लिया इसका resistance R1 है, इसका resistance R2 है, और बोल रहा है इन दोनों को सीरीज में आपने क्या किया है? रिकॉर्डिंग ऑन जोड़ा हुआ है. यस, रिकॉर्डिंग ऑन ही है. ओ सिच ऑन के अब ऑन किया. ओके, कोई नहीं, होता है कभी कभी यार. दिस इज बेसिक क्वेश्चन कि दो वायर हैं जिनका रेडियस सेम है, दो वायर हैं जिनका रेडियस सेम है, जिनका दो वायर क्वेश्चन में दिया गया है जिनका रेडियस क्या है, सेम है, और उनका रेजिस्टिविटी रो वन एंड रो टू है, और लेंथ एक का L1 है और एक का L2 है, और इनको सीरीज में जोड़ दिया गया. तो मान लिया पहले के कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे के कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंस R2 है, तो मुझे A और B के अक्रॉस R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है. तो मुझे पता है R इक्विवेलेंट क्या होगा A और B के अक्रॉस, मैं ऐसा लिख सकता हूं R1 प्लस R2, ये होगा ना R इक्विवेलेंट. बोलो गाइस. यस सर. तो R equivalent बराबर हो गया, तुमने बोल दिया कि सर R equivalent जो होगा R1 plus R2 होगा. पता नहीं तुम लोग क्यों ऐसे सवालों में फंस जाते हो. अब देखो, अब जब तुम जोड़े हो ना, तो जो लेंथ हो गई ना, तुमने सीरीज में जोड़ा है, तो मतलब ऐसे करके जोड़ा होगा, तो लेंथ हो गई दुगनी, L1 plus L2. R का फार्मूला होता है रो L by A. तो मैं R equivalent को लिख रहा हूँ रो equivalent L equivalent अपॉन A equivalent is equal to R1 किसी का क्या लिखूं, रो वन एल वन अपॉन ए वन को लिख लो पाई आर स्क्वायर. देखो एरिया दोनों का सेम होगा, सोचो डायमीटर सेम है तो एरिया सेम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा. yes, तो मैं डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर की जगह डायरेक्ट ए लिख देता हूँ, ए प्लस इसका क्या होगा रो टू एल टू अपॉन ए. अब देखो ए इक्विवेलेंट भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, ये जुड़ेंगे तो जो फाइनल बन रहा है तो वायर उसका एरिया वही होगा. अब चलो आर रो इक्विवेलेंट हमको निकालना है, एल इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों का लेंथ जुड़ जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन A. मतलब तुम लोग लैंग्वेज देख के डर जाते हो. अरे लैंग्वेज में, अरे बाप रे, हमको नहीं सर, मैंने आधा कर लिया था, आधा के बाद गायब हो गया था. इसमें कुछ L2 रो टू गायब होने वाला सवाल है, मुझे तो नहीं लगता. अब AIT में आया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है, रो वन AIEEE में था, L2 रो टू अपॉन L1 प्लस L2. Am I right? Answer. किसी को डाउट हो तो बोलो. सिंपल सवाल था. नहीं सर. यहाँ तक सबको समझ में आया? प्रिया, कशिश, बुशरा, सॉरी बुशरा कह रहा हूँ, शाबिया. सर, L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 कर लिया. हाँ, क्यों नहीं होगा? अब मान लो एक तार था ऐसे. यस सर, मैं वही गलती कर रही थी. एक तार था, एक तार है, ठीक है, मान लो तांबे का, तुमने एल्युमिनियम का तार लेके आया, इसके साथ सीरीज में जोड़ दिया, तो जो L इक्विवेलेंट आया, टोटल तार की लंबाई आई, वो L1 प्लस L2 ही तो हो गई. अरे बोलो यार, तार वार जोड़ी हो गर्मी कभी? ऐसा होता है क्या कि एक तार है, उसको तुमने जोड़ा दूसरे तार से, तो उसकी लंबाई घट गई या कुछ और बन गई? मैंने सीरीज में जोड़ा है, पैरेलल में नहीं जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है. ध्यान से देखो, समझ में आ गया? क्लास खत्म करें, क्योंकि मैथ्स भी लेना है तुम लोग का, ठीक है? तो मिलते हैं 2:30 बजे, मिले सर? यस सर. ओके, तो क्लास खत्म करते हैं, 2:30 बजे मिलते हैं. ओके, और तुम्हें साबिया कुछ समझ में आया? कुछ भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इसको, इसको देख के मुझे बताना, और लिमिट में मिलते हैं. ओके गाइस, मिलते हैं लिमिट में. बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू सर. कशिश दी, बोलो. आप मुझे क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा दोबारा जो आप. अरे वो नहीं, मत करिएगा, मुझे वो आता है. वो तो बहुत इजी. हाँ बहुत इजी था, पता नहीं क्या मैं कर ली थी. 8/3 आ रहा था बार बार, पता नहीं कैसे.
कंफ्यूज हो गई। अरे नहीं दी, मैं खुद बहुत सारी गलतियां करती रहती हूँ, गलतियों की दुकान हूँ मैं। हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं और सर से डांट सुनते हैं। तो कौन सी बुक में से करती है? सिंगेज का, क्या? अरे सिंगेज में का करते हैं दी। नहीं, साबिया की मैं एक से आवाज आ रही है ना, तो सुनाई नहीं दिया। शाबिया कुछ कह रही हैं आप? नहीं, क्वेश्चन भेज दिया करियो मुझे, जो सर से पूछे तो है ना। अरे ठीक है दी, हम आपको कर दिया करेंगे। एक्चुअली जानते हैं ग्रुप पे भेजना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से नहीं करते हैं हाँ, सर। इसीलिए पर्सनली ज्यादा हाँ बेटर अच्छा पड़ता है। हाँ, पर्सनली ज्यादा, इसीलिए तो मेरा सारे ठीक नीट है। के तो सर क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग जेई के पढ़ते हैं। नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो जो तू करी वो हम भी कर लेंगे। हाँ अरे तो मैंने उस दिन रात को आपको प्रिज्म का क्वेश्चन भेजा नहीं था? एक